थाईलैंड की थामलुंग गुफा में 15 दिनों से फंसी फुटबॉल टीम के 12 बच्चों में से 6 को बाहर निकाल लिया गया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 6 बच्चे बाहर आ चुके हैं। कोच व बाकी बच्चों को बाहर निकालने के लिए 10 घंटे बाद भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे से अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। बच्चों को बाहर आते ही चियांग राय अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि सबसे स्वस्थ बच्चों को सबसे पहले बाहर निकाला गया। ये अभियान हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा गुजरा। इसके अगले चरण की शुरुआत से पहले तैयारियों में करीब 10 घंटों का समय लगेगा। अभियान में सबसे बड़ी समस्या संकरा और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। इसमें पानी भरा है और ये इतना मीठ मेला है कि देख पाना मुश्किल है। अभियान के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि हम थाईलैंड की सरकार के साथ मिलकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। दर्शकों, आज की इस खबर में इतना ही। हम हर नई पुरानी और सच्ची घटनाएं आप तक पहुंचते रहते हैं, तो आने वाली हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल स्टडी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।